Assalamu alaikum, my dear students. I am back again with the same chapter, Transportation in Plants and Animals. पिछली बार हमने बात की थी animals के बारे में, आज हम बात करेंगे plants के बारे में, ठीक है? तो आज के इस दिन में हम प्लांट्स को लेकर अलग अलग बात करने वाले हैं कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, पिछली बार भी मैंने बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ पहुंचाना, खून जैसे चीज़ें, ब्लड जैसे पहुंचाता है अपने आप को थ्रू सर्कुलेशन, थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. ये ब्लड पूरे ऑर्गन्स में हमारे पहुंच जाता है, इसी तरह हमारे प्लांट्स को भी उनके न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग चीज़ें उनकी बॉडी में पहुँचना जरूरी है. प्लांट के वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी हर जगह खाना पीना पहुँच जाना चाहिए. अब ब्लड का खाना कहाँ से आएगा? यस कम ऑन, आई वॉन्ट टू टेक रेस्पॉन्सेज. हाँ, कहाँ से आएगा? हम जब प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट का खाना कहाँ से आता है, ये अपना खाना कहाँ से लेता है? चलिए मैं एक प्लांट बना देती हूँ. मैंने पिछली बार भी बोला था ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगी. ये रहा हमारा प्लांट, ठीक है? ये रहा हमारा प्लांट, ये इसके ब्रांचेस, और ये किससे, ये इसमें क्या क्या होते हैं, बहुत सारे पत्ते, राइट? क्योंकि हम मेरे हाथ में चिनार का पत्ता है, हमारा सबसे प्यारा और हमारा अनमोल पत्ता जो हमारे कश्मीर में पाया जाता है. ये ऐसे हम कोशरबून, मैं कर कोशिश कोशरबून बनाने की. ओके, सी दिस इज माई चिनार. ओके ओके, ये मैं इधर, ये इसका सॉइल है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है? ये है इसके रूट्स. प्लांट के जो रूट्स होते हैं वही चूसते हैं पानी, किससे? जमीन से, सॉइल से. वही चूसते हैं न्यूट्रिएंट्स, आई मीन मिनरल्स. वो कहां से आते हैं? अगेन फ्रॉम द सॉइल. और वही फिर पहुंचता है हमारे प्लांट के अलग 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 पार्ट्स में. तो हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या है? रूट, स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स, अगर फ्लावर चढ़ते हैं, फ्लावर फ्रूट, जो फ्रूट निकलता है. अभी देखो, अभी आजकल तो बहुत सारे फ्रूट हमारे रेडी हैं. शुपयां साइड से जाइए तो बड़े अच्छे अच्छे सेब हैं. हाँ, अलग अलग साइड से जाइए, अभी पके हैं सेब, पकने वाले हैं, कहीं कहीं तो पक भी गए हैं. हमारे ग्रेप्स रेडी हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हमारे रेडी हैं खाने के लिए. हमारे नाशपाती रेडी हैं, हमारे इस वक्त मार्केट फ्लडेड है हमारे कश्मीरी अपने फ्रूट से, ठीक? तो ये सारी चीजों को कहां से मिलता है वाटर, और कहां से बनता है फूड? किचन कहां है हमारे प्लांट का? भाई जब हम खाना खाते हैं तो पहले किचन में पकता है ना, पकने के बाद प्लेट पर मामा सर्व करती है. और इसी तरह हमारे किचन में हमारा प्लांट का भी अपना एक किचन होता है. और वो किचन कहां पर है? ये पत्ते, लीव्स जो है हमारे प्लांट का किचन है. अभी मैं एक लीव काटती हूं, ये देखिए चिनार का पत्ता मेरे पास है. ये लीव जो है इसको हम प्लांट का किचन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर इसका फूड सिंथेसाइज होता है. और सिंथेसाइज होने के बाद पूरे प्लांट बॉडी में, जो प्लांट है उसके पूरे हिस्सों में तकसीम हो जाता है. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बोलूं कि कौन है वो चीजें जो फूड पहुंचाते हैं, जो पानी पहुंचाते हैं प्लांट्स को, मुझे यहां पर एक वर्ड आपके साथ डिस्कस करना है, दैट इज डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? आपने डिफ्यूजन वर्ड सुना है कभी? व्हाट इज डिफ्यूजन? नहीं सुना है तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, इसके बाद आपको पता चलेगा कि डिफ्यूजन क्या है. ओके, आपको पता है जब अभी कभी आप देर से कभी स्कूल से जब आते हैं, तो अगर आप घर पहुंचते अपने लंच साथ नहीं लिया होगा, तो कैसी फीलिंग आती आती कुछ कहते ना, रास्ते में सोचते हो यहां से जाकर ही खाना खाऊंगा, अच्छे से खाना खाऊंगा. और जब आपने दरवाजा खोला और आपने बड़ी अच्छी स्मेल आती हुई देखी, यखनी खाते हो ना, हाँ गुश्तावा खाते हो, और आपकी चलो मासी ने या मामी ने या चाची ने आपके घर थोड़ा सा बाउल में भेजा है, और आपकी मामा वो गर्म कर रही है, उसकी फ्रेग्रेंस निकलती है, और जो भी दरवाजा आप खोलते हैं, आप अंदर आते हैं, मामा ऐसा तुन वाजवान, ऐसा महसूस वाजवान, सुनते हो ना, ऐसा होता है ना कि किसने हमारे को वाजे वाला खाना यहाँ भेजा, ये क्या बात है, किससे आपको बताया, किसने आपको बताया कि पता चला कि इसमें वाज, उसने कहा आपको, नहीं नहीं हमारे घर कुछ नहीं पूछा, ऐसे मजाक करती है मामा. अब कहते नहीं है तो किचन में दौड़ के, जो सच में बाउल में उबड़ रहा होता है, बाउल में मामा ने डाला होता है आपका खाना, तब रेडी होता है, मामा ने आपका खाने का प्लेट तैयार किया होता है. ये बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन में यही खास अमल है कि अगर किसी जगह कोई चीज, जैसे हाई कंसेंट्रेशन या परफ्यूम की बॉटल लेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स है ना, तो मैं स्प्रे कर रही हूँ, स्प्रे किया मैंने, तो क्या होता है, स्प्रे करने के टाइम हमारे को वो स्मेल हमारे पर छिड़क जाती है. आपने किसी ब्रदर, बड़े भाई की या बड़ी बहन की परफ्यूम लगाई, और अचानक तुमने मेरी परफ्यूम क्यों लगाई, आप बोलोगे मैंने कहाँ लगाई, मैंने तो नहीं लगाई. क्योंकि हमारे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो आपका झूठ अच्छे से पकड़ा गया
कि आपने जरूरी अपनी बहन या भाई की परफ्यूम लगाई है, और अगर पड़ेगी भी अब तो डिजर्व करते इजाजत के बगैर आपने मरी, क्योंकि अमल दखल हो गया साइंस का, वो कैसे डिफ्यूजन हो गया था, क्योंकि इस हाई कंसंट्रेशन से गैस हाई कंसंट्रेशन से निकलकर जहां पर माहौल में तो गैस की स्मेल थी नहीं, परफ्यूम की स्मेल थी नहीं, और इस परफ्यूम की स्मेल की वजह से पूरा महक उठा हमारा पूरा कमरा, और पता चला कि आपने ब्रदर की परफ्यूम लगाई है और आप पकड़े गए, क्योंकि ये डिफ्यूजन के अमल की वजह से होता है। इसी तरह हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगेरा, ये आपकी किताब में आपकी चैप्टर में इन दो का जिक्र है। यूनिसेल्यूलर, यूनि मींस वन, यूनिसेल्यूलर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें खाना कैसे पहुंचता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, मैं यहां पढ़ूंगी थोड़ा सा, मेरी थोड़ी आई साइट कमजोर है बेटा, मैं थोड़ा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमारी आंखों पर बहुत असर पड़ा है। ओके, डिफ्यूजन इज अ मेथड बाय विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अक्रॉस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लाइमेडोमोनास एंड स्पायरोगेरा टेक्स प्लेस। ठीक है, ठीक है। तो अगर डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, तो अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप लिख लीजिए, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। चलिए इसको लिख लेते हैं बोर्ड पर। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वही जो मैंने बोला परफ्यूम लगाई इजाजत के बगैर, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल अंटिल दे कौन मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेड आउट इवनली। ये हमें क्यों ये डेफिनेशन बोलनी पड़ी, ताकि आपको पता चले कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन की वजह से खाना एक जगह से, अब चूंकि एक ही सेल है तो पूरी सेल में फैल जाता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, तो हमने अभी देखा कि पिछली बार हमने एनिमल्स के बारे में देखा कि किस तरह सर्कुलेशन की वजह से ये उनका ब्लड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, अब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, सिंगल सेल्ड की भी हो गई, अब हम चलते हैं प्लांट्स की तरफ, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, कैसे इनका खाना पानी पूरे प्लांट को मिलता है। अभी हमने देखा कि जब अगर यहां कट लगे वहां खून आएगा, उंगली को कट लगे वहां खून आएगा, पैर के अंगूठे को खून आए कट लगे तो वहां भी खून आएगा, तो यहां पानी कैसे पूरे एक पूरे इतने बड़े प्लांट को कहां से पानी मिलता है, पूरे प्लांट को। देखिए इसके जो रूट्स हैं, मैं ग्रीन से कर लेती हूं, अच्छा लगेगा, प्लांट ग्रीन है तो ग्रीन से कर लेंगे। ठीक, ओके, देखिए क्या होता है, ये जो हमारा ग्रीन प्लांट है, अब पहले मुझे बोलो कि ग्रीन प्लांट ग्रीन क्यों है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, ब्लड में कौन सा पिगमेंट था, ब्लड में हमने वहां पढ़ा था कि वहां पर हीमोग्लोबिन था, यहां पर ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है। ओके, अभी मैं पहले रूट्स की बात करूंगी, ये जो रूट है इसमें एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस होती है, रूट के साथ साथ अटैच्ड एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस होती है, वो थ्रेड लाइक क्या होता है, वो बिल्कुल हेयर होता है, हेयर बाल जैसे होते हैं उसके, रूट के जैसे बाल निकले होते हैं, बाल क्यों निकले होते हैं, ताकि वो ज्यादा जगह घेरे और सोक करे, ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करे, सक करे, और वो पूरे प्लांट तक पहुंचाए, पूरे प्लांट तक वो पानी पहुंचाए, क्योंकि ये पानी इसको सिर्फ यहां पर नहीं जाना चाहिए, ये पानी यहां 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 पत्ते जो है उनको भी ऊपर ऊपर यहां टिप तक यहां 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 पूरे में पानी जाना चाहिए। तो कौन है वो जो पानी पहुंचाता है पूरा, कौन है इसका वो सोल्जर, प्लांट का कौन है वो सोल्जर जो पानी पहुंचा रहा है रूट से लेकर पूरे टिप तक, ऊपर के ब्रांच के टिप तक कौन पानी लेके जा रहा है, पत्ते के एंड तक कौन पानी लेके जा रहा है, उसका नाम है जाइलम। क्या है, जाइलम, इट इज जाइलम, जाइलम की वजह से पूरे प्लांट तक पानी पहुंचता है, तो हम बोलेंगे वाटर सोल्जर है ये, मैं इसको वाटर सोल्जर बुलाती हूं, क्योंकि रूट से सक करते करते ये पूरे प्लांट तक के पानी पहुंचाता है। अब रहा खाना, जो खाना हमारे लीफ में तैयार हो गया, सिंथेसाइज हो गया, हमारे मिनरल्स जो भी पानी एवरीथिंग फोटोसिंथेसिस की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, सनलाइट की वजह से, ग्लूकोज एटसेट्रा जो भी बना, वो सब जाके बनता है हमारे पत्ते में, हमारे प्लांट के पत्ते में। आप एक काम करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर आप दौड़ के जा सकते हैं, आपके आंगन में कोई प्लांट है तो दौड़ के जाइए और वहां से एक पत्ता लेके आइए, पत्ते को अगर आप ध्यान से, इसमें आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे, ठीक है, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, और उन पोर्स में से वाटर वेपर निकलते रहते हैं, वो मैं आपको अभी एक एक्टिविटी बताऊंगी जो आपकी किताब में है, एक्टिविटी का नाम है, इट इज ऑन पेज नंबर
पेज नंबर 145 और एक्टिविटी का नाम है 11.4 एक्टिविटी, अभी बताऊंगी। सो मगर अब हमें देखना है कि जो ये फूड बनता है लीफ में, जो किचन है हमारे प्लांट का, वो फूड कैसे फिर पूरे प्लांट में पहुंच जाता है, क्योंकि तभी तो प्लांट ग्रो होगा ना जब खाएगा, जब पानी मिलेगा और जब खाना मिलेगा। तो जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट के पत्ते में, वो कौन पहुंचाता है, उनका नाम, उसको नाम है फ्लोएम। क्या है? तो हम बोल सकते हैं वाटर सोल्जर कौन था? जाइलम। और फूड सोल्जर कौन है? यस, कौन है? इट इज फ्लोएम, PHLOEM। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम खाना लाता है पत्तों से पूरे प्लांट में, और जाइलम क्या करता है? पानी लेके जाता है रूट से पूरे प्लांट में। ठीक है, क्लियर है। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, इसको आप अच्छे से समझिए। हम क्या करेंगे, हम एक गमला लाएंगे। एक्टिविटी है आपकी 11.1, कह रहे हैं आप एक गमला लाओ। गमला देखा है आपने, फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट में आप एक पौधा तो उसमें लगा होगा, उस पौधे को उसमें लगाइए, या लगा हुआ पौधा जो उसमें, जिसमें पत्ते भी निकले हैं और छोटे छोटे फ्लावर्स भी निकले हैं। उसके बाद एक पॉलिथीन लाएंगे। पॉलिथीन देखा है ना आपने, ऑब्वियसली हम तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसको हमें नहीं यूज करना चाहिए, जिसे हम पोल्यूट कर रहे हैं अपने एटमोसफेयर को, हमारे अर्थ को। हम उस पॉलिथीन को, मगर कोशिश करेंगे कि वो पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट हो। ठीक, क्या किया हमने, एक फ्लावर पॉट लाया। तो क्या करेंगे, हम एक गमला लेंगे। अब चूंकि मेरे पास गमला नहीं है स्टूडियो में, आप समझ लीजिए गमला है मेरे पास, ये रहा गमला, और इसमें हमारा एक प्लांट, चलो इसको गमला यूज करते हैं। ठीक है, ये रहा गमला, और इसमें हम ऐसे प्लांट हमारा लगा हुआ है, इसमें पत्ते वत्ते पत्ते भी हैं और फ्लावर्स भी, समझ लीजिए इसमें है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक पॉलिथीन लाएंगे, मगर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम इस पॉलिथीन को इसके ऊपर पहना देंगे। ठीक है, इसके ऊपर पहना देंगे। पहनाने के बाद हम इसको टेप से, रबर बैंड से, या हम इसको धागे से नीचे बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसे बांध देंगे। बांधा, बांधने के बाद इसको शाम तक आप ऐसे रखिए, तो देखेंगे शाम को जब हम देखेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लिफाफा होगा, हम क्या देखेंगे, हम इस ट्रांसपेरेंट लिफाफे के अंदर से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देखेंगे। वो कहां से आए, क्वेश्चन है कि वो ड्रॉपलेट्स आए कहां से। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, जो ये हमारे पत्ते होते हैं, पूरे दिन ये पत्ते स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर छोड़ते रहते हैं। ठीक, जो ये वाटर वेपर सिंथेसाइज जब फूड करते हैं, तो वाटर वेपर निकलते रहते हैं, वो वाटर वेपर्स इस पर, इस पॉलिथीन पर जमा होते जाएंगे। अब चूंकि ये हमने इसके हवा को बंद कर दिया है, तो वाटर वेपर बंद हो गए, तो कंडेंसेशन, हमने चूंकि पढ़ा है क्लास 7th में चैप्टर वाटर, उसमें हमने जो आपके टर्म 2nd का चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा है कि वाटर की वजह से कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बनते, कंडेंसेशन या वाटर साइकिल आपने पढ़ा है, अलग अलग क्लास में पढ़ा है। तो कंडेंसेशन की वजह से चूंकि हवा में जाता तो फैल जाता है, ये रुक गया कहां पर, इसी पॉलिथिन पर, तो ये वाटर ड्रॉपलेट आपने देखी। तो प्रूव हो गया कि हमारा वाटर जो कहां था, नीचे यहां पर, अब देखिए कहां कहां से ऊपर ऊपर और नीचे ऊपर जाके पत्तों में से कैसे बाहर निकला है। ये तो हो गया हमारा कि किस तरह हम एक्टिविटी 11.4 की के डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं इस एक्टिविटी में, कि किस तरह वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं और किस तरह पत्ते बाहर छोड़ते हैं वाटर वेपर्स, और हमने कैसे इसको जमा किया, और हमने आपको कैसे दिखा दिया कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है पानी का, और कैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कैसे वाटर वेपर भी ट्रांसपोर्ट हो गया और पहुंच गया किस पर, हमारे लिफाफे पर। ये तो एक एक्टिविटी है, अगर जूम हो सकता है तो मैं आपको ऐसे इधर दिखाऊंगी ये शक्ल, यहाँ पर अगर जूम हो सकता है तो ये हमने, ये मैं आपको ये एक्टिविटी बता रही थी इसमें, और इसमें ये फिगर है 11.7। तो प्लीज आप इस बच्चों, ये आप इसको पढ़ लेना। अब मैं आपको एक और एक्टिविटी बताऊंगी, वो एक्टिविटी में क्या करना है कि उसमें आप दिखाएंगे, ये तो था जाइलम का, पानी का, अब हम फ्लोएम का एक एक्टिविटी आपको दिखाएंगे, खाना। मैंने कहा ना, मैं फ्लोएम को बुलाती हूं कि ये फूड का सोल्जर है, जाइलम को बुलाती हूं कि ये वाटर सोल्जर है। ठीक है, अब जो फ्लोएम की बात करेंगे, पत्तों में जो खाना बनता है, पत्तों में जो खाना बनता है, अब उसको भी हमारे पूरे प्लांट तक पहुंचना है, पहुंचना जरूरी है, तो वो कैसे पहुंचता है, वो बिकॉज ऑफ फ्लोएम पहुंचता है। अब जो इसका बार्क होता है, प्लांट का जो बाहर का बार्क होता है, बाहर से जो छिलका जिसको बोलते हैं, ये छिलका, ठीक है, ये जो बार्क है, ये देखे, हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसको बोलते हैं ग्रिडलिंग एक्टिविटी। ग्रिडलिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, कश्मीर में मत आसाना कश्मीर पर पाईबंद, ठीक है, पाईबंद छू बूझ मतन, हाँ, ग्रिडलिंग। तो हमने क्या किया, हम एक ट्री के ट्रंक को छोटा सा ऐसे 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 खरोच के एक पैच सा काटेंगे चारों तरफ से, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने इधर काटा, इसको देखो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, मगर ये प्लांट को, ये प्लांट काट कर नहीं करना है, बल्कि आपको वहीं पर बाग में जाकर उस ट्री को
ऐसे ऐसे पूरा आप गोल में इसको एक स्ट्रिप काटेंगे, इसको ग्रिडलिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इसमें जब ये काटेंगे आप क्या देखेंगे, कुछ दिनों बाद एक हफ्ते के बाद इसको चेक कीजिए, आप क्या देखेंगे, जो इसका ये जो ऊपर से इसका छिलका नीचे वाला छिलका है जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट, जिसको हम बोलते हैं बार्क, इसके बार्क में नीचे तो कोई चेंज नहीं आएगी मगर ऊपर वाला बार्क इसका सूज जाएगा। सूजेगा क्यों? क्योंकि फ्लोएम जो खाना लेकर आएगा उसको नीचे कट मिल रहा है, वो खाना नीचे नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप प्रूव कर सकते हैं कि फ्लोएम की वजह से खाना पहुंचता है, पूरे ट्रंक नीचे रूट तक पहुंचता है, मगर चूंकि बीच में इसका काटा गया, सेक्शन काटा गया, ग्रिडलिंग की गई, खाना रुक गया और वहां पर स्वेलिंग होनी शुरू हो गई। यह है आपकी 11.2 एक्टिविटी और इस एक्टिविटी का नाम है टू शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। और इसमें क्या क्या है, दिस इज इजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट कॉमनली नोन एज ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट। ग्रिडलिंग ऑफ स्टेम रिमूव्स फ्लोएम, ठीक है, इट रिमूव्स फ्लोएम टिश्यू, क्योंकि फ्लोएम टिश्यू निकल गया तो ऑटोमेटिकली नीचे तक ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, राइट? ओके, इफ ए स्टेम ग्रिडल्ड इज ग्रिडल्ड द डाउनवर्ड एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड मटीरियल गेट्स ब्लॉक्ड। ये देखो मैंने अब यहां पर छोटा सा ये किया, इससे मैंने कोशिश की आपको समझाने की, तो ब्लॉक हो गया, ऊपर का भी नीचे का भी ब्लॉक हो गया, मगर पानी में पानी पहुंच जाएगा, फ्लोएम जो है फ्लोएम पहुंचता जाएगा, आई मीन जाइलम पहुंचता जाएगा, वो उसको खाने पानी वानी लेके जाएगा, मगर इसमें मूवमेंट फूड की रुक जाती है। ठीक, टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी सिलेक्टेड ब्रांच, आप अपने घर में यह एक्टिविटी कीजिए और फिर उसको देखिए कि या क्या ये सच में होता है कि नहीं, बिकॉज साइंस इज अबाउट डूइंग इट योरसेल्फ, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स। देखिए जब तक मैं साइंस क्लास में ऐसी चीजें लेकर नहीं आऊंगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। पिछली बार भी हमने स्टेथोस्कोप देखा, क्योंकि छोटा सा क्लास है, बहुत कम टाइम है, सब चीजें कवर नहीं कर पाते हैं, मगर कोशिश रहती है कि आप लोग मेन मेन क्रक्स जो है स्प्रिंट में जितना हम आपको बता सके वो आपको समझ आ जाए। और मुझे ये उम्मीद पूरी तरह है कि आप लोगों ने आज के इस चैप्टर में जो मैंने दो बातें खासकर फ्लोएम जाइलम के बारे में और जो दो हमने एक्टिविटीज की विद पॉलिथीन और जो कैसे कैसे वाटर वेपर्स कैसे बाहर और फूड की, हमने पानी का भी देखा और फूड का भी देखा कि जो सिंथेसाइज करके नीचे आता है या ऊपर जाता है उसमें कैसे असर पड़ता है जब ग्रिलिंग वाला चीज किया जाता है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में भी पता किया। सो आज के इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज डिफ्यूजन, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में दो का नाम मैंने लिया, क्लाइमेडोमोनास और स्पायरोगेरा, उनमें कैसे खाना पहुंचता है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन क्या होता है वो भी आपने अच्छे से समझा। और हमने प्लांट्स में देखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है। ये था आज की चैप्टर का जिस्ट। तो ओवरऑल इस चैप्टर में जो भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या वन वर्ड क्वेश्चन है या ट्रू फॉल्स है, आपके दोनों, अगर आप मेरे दोनों सेशंस आपने ज्वाइन किए होंगे, पिछला विद एनिमल्स, आज का विद प्लांट्स, अगर आप इन दोनों को कल्बिनेट करेंगे, इनमें से आपके छोटे छोटे लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टीपल चॉइस या फिलअप या ट्रू एंड फॉल्स अच्छे से निकलेंगे, बशर्ते कि आप इसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करें घर में और आप इस चैप्टर की थॉरो रीडिंग करें, उसके बाद ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा। दूसरी बात, हमने आपको बताया कि हार्ट कैसे, इस तरह मैंने बताया था कि फिस्ट कैसे बंद होती है, हमारे हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स क्या क्या है, क्या है जरा बताइए आप, किसी को याद है? हाँ, चलिए मैं बता देती हूँ, हार्ट हैज फोर चैम्बर्स, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगली बार, तब तक के लिए आप और मैं खुदा हाफिज़।